नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 150 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं एंड 8% की गिरावट यहां पर हुई है। स्टॉक प्राइस हो चुका है 66 रुपीज, यानी 6 रुपए की गिरावट। साफ तौर पर यहां पर डंपिंग का माहौल बनाया गया है। बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला रीजन देखिए, दो बड़े इवेंट हुए हैं आज के दिन में। पहली बात की गिरावट हुई है 8% के आसपास, गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर गिरावट है स्टॉक में। अभी दूसरी बड़ी खबर है कि क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं और वहां पर लॉस दिखाया है कंपनी ने। अभी बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट क्यों हुई सबसे पहली बात, और अगर गिरावट हुई है तो क्या यहां से खतरे की घंटी बजती है जिन लोगों ने यहां पर बाय किया है या फिर इस लेवल पर बाय किया है, क्या उनको अब लॉस झेलना पड़ेगा, क्या उनको बेच देना चाहिए यहां पर स्टॉक को, और या फिर ये जो इतनी अच्छी रैली यहां पर आई थी वो मैनिपुलेटिव रैली थी, क्या यहां पर ये रैली सब शो ऑफ था यहां पर या नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। क्या आपको होल्ड करना चाहिए या फिर अगर आप होल्ड करते हैं तो किस टारगेट के लिए होल्ड करें या फिर सेल कर देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। अभी अगर देखोगे तो स्टॉक में 8% की गिरावट हुई है और जो सबसे पहला कारण दिया जा रहा है स्टॉक में गिरावट का आज का, वो है कि भेल ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए एंड यहां पर 46 करोड़ के आसपास का लॉस आया है। अब 46 करोड़ का लॉस है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो गिरावट हुई है वो इस वजह से हुई है। मुझे क्या लगता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट एक रीजन, एक बहुत छोटा रीजन है क्वार्टरली रिजल्ट का आना और उसके बाद लॉस और वहां पर गिरावट। क्योंकि रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रिजल्ट कोई खास बुरा नहीं आया है यहाँ पे। रिजल्ट में मुझे लगता है कि ग्रोथ पैटर्न बना है यहाँ पे, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले गिरावट का असली रीजन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर क्वार्टर टू का रिजल्ट आया और उसकी वजह से गिरावट हुई तो एकमात्र सिर्फ भेल में गिरावट होनी चाहिए थी। निफ्टी मेटल आपका फिसला है पूरा का पूरा। वीकली चार्ट अगर आप देखें तो, अगर आप डेली चार्ट में, लेट मी टर्न इट टू डेली चार्ट, यहाँ पर देखिए आप कि डेली चार्ट में भी एक भारी गिरावट है। यहाँ पे अराउंड 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। यही नहीं, अगर आप बाजार की बात करें, बाजार में आपका जो बाजार रहा पूरा का पूरा गैप डाउन ओपनिंग हुई एग्जैक्टली लाइक भेल। अगर आप भेल को देखते हैं, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद फिसलता रहा, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक शॉप रिकवरी के तौर पे पैटर्न बनाया था हमारा, बट रिकवरी यहाँ पर नहीं हो पाई। जो क्लोजिंग आई है वो अभी भी रेड जोन में है। ये अच्छी बात है कि बाजार अभी भी 18,000-17,900 के ऊपर बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर बाजार यहाँ पर बना रहता है तो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले आउट करेगा। हालांकि जो एक रीजन बताया जा रहा है कि भेल में गिरावट का एकमात्र कारण है क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये आपको साफ हो जाता है कि यार अगर सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट रीजन है तो फिर सिर्फ भेल में गिरावट होती। निफ्टी मेटल आपका पूरा फिसला है, सेल में गिरावट है, नालको में गिरावट है, टाटा स्टील में आप देखें तो वहां पर वोलेटिलिटी काफी रही है। तो क्या सिर्फ भेल का ही रिजल्ट इसे इन सभी स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टोरीज काफी सारी आएंगी और उसके पीछे की जो मकसद होता है ना वो भी काफी सारा होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। आपको समझना पड़ेगा कि किस कंपनी में आपने निवेश किया है और क्या प्रोस्पेक्टस वहां पर दिखाई देता है। भेल काम करती है रिन्यूअल सेक्टर में, भेल काम करती है मेटल्स में, भेल काम करती है वाटर सैनिटेशन में, तो कहीं ना कहीं भेल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में काम करती है और भेल में अपॉर्चुनिटी आपके सामने है यहाँ पे। श्योरली यहाँ पे अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो कंपनी में ने कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई है। यहाँ से ही शुरू हो गया था कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा था, क्योंकि सेल ने एक अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया, उसके बाद अभी बहुत सारी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर भेल के रिजल्ट में काफी उम्मीदें थी और मुझे लगता है कि काफी कुछ फुलफिल किया है। गिरावट के पीछे का एकमात्र कारण मार्केट है और मार्केट में गिरावट का एकमात्र कारण जो है वो FII है। लास्ट 30 डेज में अगर आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ का माल डंप किया है पिछले 30 दिनों में FII में। एक महीने में लगातार डंपिंग हुई है यहाँ पे। यही नहीं, अगर पिछले 2 हफ्ते का देखें तो 10,000 करोड़ का माल डंप हुआ है बाजार में। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यार यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बाजार में डंपिंग का माहौल बनाया जा रहा है। और अगर आप खरीदारी की बात करो तो पिछले कल के दिन की अगर आप बात करो तो 2400 करोड़ की बिकवाली हुई FII की तरफ से और खरीदारी DII ने 1400 करोड़ की है। तो कितना ही गैप फिल कर पाएंगे रिटेल इन्वेस्टर? 1,000 करोड़ जो एक दिन में गैप हो रहा है, जो फ्री सप्लाई मार्केट में आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डेली 1,000 करोड़ की खरीदारी कर सके। रिटेल इन्वेस्टर का एवरेज होता है मंथली 7,000 करोड़ का, जो पिछले 18 से 20 महीने से लगातार करते आए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि स्टॉक में इस समय पर वोलेटिलिटी बनती है। भेल में रिजल्ट आए हो या भेल में अभी आप देखें तो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी बनी है उसका एकमात्र कारण मुझे लगता है कि मार्केट है, मार्केट इन्फ्लुएंस्ड गिरावट है। यहाँ पर स्टॉक में इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट मुझे क्यों अच्छा दिखाई देता है यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे
तो 4500 करोड़ दिसंबर 2020 में, 7245 करोड़ जून में, 2966 करोड़ मार्च से जून क्वार्टर में लॉकडाउन था, तो यहाँ पर अगर इसका रेवेन्यू गिरता है तो समझ में आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जून से सितंबर में लॉकडाउन नहीं था, रेवेन्यू में एक अच्छा जंप आया है, ऑलमोस्ट 70-80% का ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देता है आपको। और यही नहीं, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें सितंबर 2020 से कंपेयर करिए, आपके 3709 करोड़ से यहाँ पर 5100 करोड़ तक पहुंच गया है रेवेन्यू के तौर पे ग्रोथ है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 633 करोड़ का लॉस था लास्ट टाइम पे ईयर ऑन ईयर, और इस बार 30 करोड़ का लॉस है, ग्रोथ काफी अच्छी है यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हो, ठीक है। यही नहीं, अगर आप ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करो तो ईयर ऑन ईयर भी मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी बढ़िया है यहाँ पे, 475 करोड़ से 30 करोड़ का लॉस, अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने जून क्वार्टर का रिजल्ट देख करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, वो लोग सितंबर क्वार्टर का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देख करके निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि जब कंपनी ने 3000 करोड़ का रेवेन्यू के साथ 500 करोड़ का लॉस दिखाया, और यहाँ पर भी अगर आप देखें नेट प्रॉफिट में 500 करोड़ का लॉस आया, तब तो लोगों ने बाइंग कर ली। अभी जब सितंबर क्वार्टर में 6000 करोड़ के आसपास का 5200 करोड़ का रेवेन्यू है, 30 करोड़ मात्र लॉस है यहाँ पे, और रेवेन्यू के तौर पे ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट के तौर पे अगर आप देखें सिर्फ 46 करोड़ का लॉस है, 400 करोड़ के लॉस से 46 करोड़ का लॉस आ गई है कंपनी। लास्ट ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन कीजिए तो 550 करोड़ के लॉस से 46 करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी, और आपको लगता है कि यहाँ पर निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट को देख के निकलता है कोई, तो वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई है, भेल में भी गिरावट हुई, 8% गिरावट, 8% लॉस, बहुत बड़ा लॉस है आपका, बट उसके पीछे का जो कारण है वो क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है। और कोई भी अगर ऐसा कहता है कि क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि साफ तौर पर आप कोई भी बेवकूफ भी होगा तो वो नंबर कंपेयर करके देख लेगा कि ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है आपका कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। जब लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देख करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो इस क्वार्टर का रिजल्ट देख करके लोग निकल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर काफी अच्छा पड़ा है, 10 times का यहाँ पर ग्रोथ आया है यार, 400 करोड़ से 40 करोड़ पे आ गई है कंपनी, लॉस कम हुआ है यहाँ पे, मिनिमाइज किया है, और क्या चाहिए? मुझे नहीं पता कि और क्या देखते हैं लोग यहाँ पे, बट इस फाइनेंशियली कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। साथ में ये मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। सपोर्ट कहाँ पर है हम उसकी बात कर लेते हैं, कहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, किस टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए, सब कुछ बात करते हैं यहाँ पे। पहला जो आपका सपोर्ट है वो 64 rupees का है, जो लास्ट टाइम होल्ड किया था। सेकंड सपोर्ट आपका लोअर पॉइंट पर, यानी 52 rupees के आसपास का। दोनों सपोर्ट मुझे लगता है कि होल्ड करने चाहिए यहाँ पे। और जो पहला टारगेट आने वाला है वो है 80 rupees के आसपास का। मुझे लगता है कि मुझे होल्ड में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय डंपिंग के। स्टॉक का RSI आपका 55 का है, अभी भी मैग्दी आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न ओवरऑल आपका काफी अच्छा है, मार्केट में वोलेटिलिटी है और यही कारण है कि भेल में गिरावट हुई है। डिलीवरी की बात करते हैं तो 17% की, उससे पहले 36% की, 16% की एंड 17% की एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है स्टॉक में। किसी भी स्टॉक में ये एवरेज डिलीवरी होती है, तो एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। स्टॉक के फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का कॉल यहाँ पर दिया था, बट अभी भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के मुद्दा बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर प्राइवेटाइज होगी, इस वजह से गिरावट है, तो वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं करते क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के परेशान ना हो, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। अभी बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके भी कॉल्स आए हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। मॉर्गन स्टेनले का अंडरवेट है, 34 rupees का टारगेट है, सेल कॉल है एक तरह से। जेफरीज का 30 rupees का टारगेट है, अंडर परफॉर्म कॉल है यहाँ पे, और ये पिछला है हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी रिवाइज करने की जरूरत है और रिवाइज होगा यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई खबर पढ़ते हैं और वहां पे आपको लगता है क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से गिरावट है या बेचना है, तो बेचने के ऊपर आपको दो बार सोचना चाहिए। डू नॉट सेल द स्टॉक, यहाँ पर होल्ड कीजिए स्टॉक को, और जल्दी ही रिकवरी आएगी। रिकवरी जब बैंक में आएगी, जब बाजार में आएगी, तो भेल में भी रिकवरी आएगी। मार्केट पूरा का पूरा फिसला है, होल्ड करने की सलाह है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो। थैंक यू।